गया के कटारी हिल रोड स्थित नरोमा अस्पताल में 3 दिवसीय सर्जिकल शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर से आए डॉक्टर हितेश सिंघल और नरोमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि शिविर में हड्डी के संक्रमण सहित वैसे मरीजों का इलाज किया गया जिनके हाथ और पैर संक्रमण या फिर सही इलाज न होने के कारण से टेढ़े थे। उन्होंने कहा कि आज सर्जरी चैलेंजिंग होता है। डॉक्टर संजय ने कहा कि हड्डी का फ्रैक्चर होने पर, सही इलाज नहीं होने पर हड्डी सही से नहीं जुटती। डॉक्टर संजय ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि फ्रैक्चर होने पर अनुभवी प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह से इलाज कराए। डॉक्टर संजय ने आगे बताया कि अब नरोमा हॉस्पिटल में हड्डी जोड़डच के जटिल और पुराने बिगड़े फ्रैक्चर के सफल सर्जिकल ऑपरेशन संभव हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल ऑपरेशन शहरों में ही संभव हैं, लेकिन डॉक्टर हितेश सिंघल की मदद से अब गया में भी सर्जिकल ऑपरेशन करना आसान हो रहा है। डॉक्टर संजय ने कहा कि कई बार यह सुनने को मिलता है कि फ्रैक्चर में लोग योग का सहारा लेते हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि योग एक अच्छी चीज है, लेकिन योग सभी बीमारी का इलाज नहीं होता। कई बार फ्रैक्चर में दवाइयां और सर्जिकल ही काम आते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोग अपने मन से बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवा ऑनलाइन मंगाकर सेवन करते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। और हमारे हॉस्पिटल में आज 2-3 दिनों का एक सर्जिकल शिविर है, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जो बहुत दिनों से हाथ पैर टेढ़ा हो गया है, हड्डी नहीं जुट रही है, हड्डियों का संक्रमण है, वैसे सर्जरी को हम लोग चैलेंज के रूप में यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। यूजुअली इस तरह की सर्जरी बड़े शहरों में ही की जाती है और बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम लोग इस तरह के कैंप लगातार करते आ रहे हैं और हमें लगातार सफलता मिली है। उसी के वजह से आज हम लोग फिर से एक सर्जरी का कैंप का आयोजन किया है और हम लोग सर्जरी करते हुए आप लोग सामने बैठे हैं। कई लोग अभी भी अपनी जो हड्डी टूटती है उसको लेकर अगर नहीं होते, उनको क्या कुछ कहेंगे? सो जो प्रॉब्लम आती है और हम लोग फेस करते हैं कि हड्डी का यदि फ्रैक्चर होने के बाद प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो हड्डी या तो नहीं जुटती है भी, या जुट भी जाती है तो गलत तरीके से जुटती है, बहुत बार संक्रमण होती है। वैसे में मरीज की जो आर्थिक स्थिति होती है और शारीरिक स्थिति, दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और मरीज बहुत परेशान होते रहता है। तो मरीजों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई फ्रैक्चर होती है या कोई परेशानी होती है तो आप निश्चित रूप से एक अनुभवी और प्रशिक्षित डॉक्टर का सलाह लें, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जहाँ तहाँ जो कंपाउंडर हैं लेकिन आपको सर्जरी कर रहे हैं, उनसे बचना है सबको। एक चीज़ और सर, लोगों के अंदर एक चीज़ आ गया है कि योग से हर इलाज हो सकता है। सो डेफिनेटली योग हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का इलाज योग से नहीं कर सकते। योग से बीमारी से बचा जा सकता है, इलाज करने के लिए बहुत बार आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे अर्थराइटिस की समस्या है, यदि अर्थराइटिस किसी को आ जाती है, एडवांस स्टेज में हो जाती है, तो वो चीज़ कभी भी आपको ट्रीटमेंट दवा से नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस करता है। बहुत लोग जान बस कुछ कुछ दवाइयाँ खाते रहते हैं ऑनलाइन मंगा करके। मैं उनसे लोगों को बोलूँगा ऐसे लोगों को कैसे बचें, आपको शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। मैं चाहूँगा कि जैसा कि मैंने गया में, मैं आज 4 साल से आ रहा हूँ, मैं हर 3 महीने में एक बार मैं यहाँ आ ही जाता हूँ डॉक्टर संजय के बुलाने पर। तो एक बार यही हुआ, शुरुआत यहाँ से ही हुई कि डॉक्टर संजय यादव गया आए थे और उन्होंने देखा यहाँ पर कई मरीज है जो जिनके हाथ टेढ़े हैं, जिनके पैर भी टेढ़े हैं, अगर जिनका फ्रैक्चर भी हुआ है, उन्होंने ऑपरेशन करवाया है मगर वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है, उसमें रस्सी भी आ रही है, हड्डी भी नहीं जुड़ रही है, और कोई पैर भी एकदम टेढ़े लेके आ रहे हैं, जिनको उनको लगता है कि इसका इलाज संभव ही नहीं है। फिर डॉक्टर संजय ने मेरे से ये डिस्कस किया, तब हमने यही प्लान किया और मेरी भी यही इच्छा है कि जो इस तरह के जो भी मरीज है जिनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है, मैं उनको मेरी पूरी कोशिश से मैं उनको सही करूँ, यही मेरे लिए एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। तो संजय ने मेरे से रिक्वेस्ट की और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली और मैंने उसी तरह मैंने बिहार गया आने का प्लान बनाया। जैसी मेरी 4 साल पहले मेरी पहली विजिट हुई वो बहुत सक्सेस हुई। उस टाइम पे हमने पूरे 4 दिन में टोटल 10 ऐसे ऑपरेशन किए थे। उसके बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हर 3 महीने में मैं इसी तरह से भी पिछले 4 सालों से लगातार आ ही रहा हूँ मैं, और अभी भी आज मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ और हमने 10 ऑपरेशन रखे हैं इस तरह से। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा गया के लोगों को भी कुछ अच्छा मिले। धन्यवाद।